शहजादी बयाह के आई, उसके साथ आने वाले बारातियों ने तामीर किया। फोर्ट को पहाड़ के ऊपर इंटरलॉक्ड वुडन फ्रेम बनाया, इसमें जलजला बर्दाश्त करने की सलाहियत 8.5 रिक्टर स्केल मिनिमम है। आप इमेजिन करें 1100 साल में कितने जलजले आए होंगे। हम लोग दुनिया के चौथे खतरनाक जोन पे खड़े हैं। ये खड़ी खबर है मैम, पुराने जमाने में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत करी, बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा नमन ने उसे जिंदा चुनवा दिया। इसमें Hi guys. Hello. Hello. मजा आ रहा है? बहुत full enjoyment. ओके गाइज, माय नेम इज़ जावेद। ये अल्तित फोर्ट है, इसकी तारीख 1100 साल है। इसके तामीर करने वाले हजरत स्कर्दू से आए, जिसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है। स्कर्दू से आगे एक इलाका है गांचे, वहाँ एक वादी है शिगर, शिगर के लोगों का तामीर शुदा है। वहाँ से एक शहजादी बयाह के आई, उसके साथ आने वाले बारातियों ने तामीर किया। फोर्ट को पहाड़ के ऊपर इंटरलॉक्ड वुडन फ्रेम बनाया, इसमें जलजला बर्दाश्त करने की सलाहियत 8.5 रिक्टर स्केल मिनिमम है। आप इमेजिन करें 1100 साल में कितने जलजले आए होंगे। हम लोग दुनिया के चौथे खतरनाक जोन पे खड़े हैं। यूरेशियन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स का फोर्ट लाइन यहाँ है, कराकोरम हिंदू कुश हिमालयन और पामीर रेंज का भी जंक्शन यहाँ है। सालाना कम अज़ कम 4 छोटे बड़े जलजले आते रहते हैं। फोर्ट का यह मुल्हिका इलाका है, जो गार्डन है, ये शाही बाग है, उसके साथ एक छोटी सी स्विमिंग पूल शाही खवातीन के लिए, शहजादियाँ मलिकाएँ ईटीसी देवर स्विम देयर। और ये लास्ट हेड ऑफ स्टेट का रेजिडेंस था, अभी कैफे बना दिया गया। ये 1945 का तामीर शुदा था, तो इसमें कोई आर्कोलॉजिकल हिस्टोरिकल अट्रैक्शन नहीं था। यूनेस्को वालों ने खुद फैसला किया कैफे बना दो। अभी पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए हम ऊपर जाएंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ अंदर इंटीरियर में बिल्डिंग के अंदर दरवाजे बहुत छोटे हैं और काफ़ी ख़तरनाक किस्म का हाइट है। यहाँ 300 मीटर की ऊंचाई है। अपने बच्चों का अपना भी ख्याल रखें और एजिस पे सेल्फियों से अवॉइड करें। हम आपस में हुंजो ही कहते हैं। 1891 में गोरे यहाँ आए, उन्होंने हुंजा लिख दिया लीगल डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में अब भी हम हुंजा ही लिखते हैं, आपस में हुंजो कहते हैं। हुंजो का मानी बनता है हुंजा का नहीं बनता। आपने ग्वानजो, मानजो, हानजो, डानजो सुना होगा, चाइना में शहरों के नाम हैं। पुराने ज़माने में ये रियासतें होती थी। हुन डायनेस्टी के कुछ कबाइल 400 साल कबल मसीह चाइना के और मंगोलिया के बॉर्डर पर एक दरिया बहता है, होंगहू कहते हैं, यालू रिवर। उस दरिया के किनारे आबाद हुन डायनेस्टी के कबाइल आके आबाद हुए। उन्होंने जगह का नाम हुंजो रख दिया, यानी हुन कबाइल की स्टेट या हुन कबाइल का एरिया। उन्होंने हुंजा आबाद किया। बाद में रशियन आए, सेंट्रल एशियन, इंडो आर्यन, योगर, चिंगपिंग, किंगमंग डायनेस्टी के लोग, मुख्तलिफ कबाइल आते रहे, आबाद होते रहे। यहाँ से हुंजा फैलते फैलते वाखान, ताशकोरगन, यारकन तक फैला। इंट्रेंस यहाँ से है, अंदर दरवाजे सभी बहुत छोटे हैं। वंस मोर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दरवाज़ों से सर बचाएँ। गोइंग अपसाइड और हमारे साथ हमारे गाइड हैं जावेद भाई, वो हमें बता रहे हैं कि
इसकी तारीफ क्या है। और ये हमारे साथ जो टूरिस्ट हैं वो साथ चल रहे हैं, और मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसके जो दरवाजे हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो हमें इससे बच कर जाना होगा। गाइस ख्याल करना, दरवाजे थोड़े छोटे हैं। और रात को कमांडोज पहरा देते रॉयल फैमिलीज के प्रोटेक्शन के लिए। ये वाइन सेलर था फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। मजहबी इस्लाम के मुबल्लिगीन यहाँ 1620 में यहाँ आए बल्ख बदख्शान से। अहले तसव्वुफ ने इस्लाम की तबलीग की, उससे पहले बुद्धिज्म, जैनिज्म, ताओइज्म, शामनिज्म वगैरह मजाहिब होते थे। इन दोज डेज वी वर इंडिपेंडेंट टू मेक वाइन, ड्रिंक, बाय एंड सेल। इस्लाम आ गया, वाइन सेलर्स ये मंगोलों का रिवाज था, या चुनवाते थे या दो मोटी चौड़ी लकड़ियों में उनका गला और बाजू को लॉक करके रखते थे। भयानक मौत मरना हो तो चुनवाना, अजियतनाक मौत मरना हो तो लॉक करना। और ये जो दरवाजा है, यहाँ से रॉयल प्रीमिसिस के एंड तक सुरंग थी, टनल फोरिस के बाहर भागने का रास्ता। जंगे खत्म हुई तो वो टनल बाद में हटा दी गई, वापसी पे हम भी भाग जाएंगे यहाँ से। दरवाजे सभी बहुत छोटे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर बचाएं। और अंग्रेजी में कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। यार ये खड़ी कर, ये तो डरा दिए सर थोड़ा सा। चलें अभी वीडियो ले रहे हैं हम, चलें चलें चलें। नहीं नहीं मसला नहीं, वो है ना फोर्ट का गाइड, उसका हाथ मत कर। Here's the opening here. Hiking, trekking. थोड़ा सा अंदर जाने दें। उसने एक अपने दो मुड़ी हुई लकड़ियों में कुछ पे जाने इस तरीके से मरोड़ के लॉक करते थे, न बैठ सके आराम से न सो पाए। जब वो सजाए, दिस इज कॉन्स्टेंट टॉर्चर, दर्द कर के वैसे एपोलोजाइज पे आमदा हो जाते तो यहाँ से रिलीज हो जाते थे वो, लेकिन अपने घर नहीं जाएंगे या मुकम्मल आज़ादी उनको नहीं मिलेगी। किसी मिनिस्टर या कबीले के सरदार के मॉनिटरिंग में सारी जिंदगी स्टेट के लिए गुलामी करें। दिस वॉज द पनिशमेंट फॉर कॉमन। सो व्हेन ए पर्सन वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट स्टेट फ्रॉम द इलीट क्लास, कोई मिनिस्टर, कोई कबीले का सरदार या कोई शहजादा बगावत करे, उनको उसी वक्त मार दें। तो यहाँ एक छोटा सा कमरा है, यहीं से बता दूंगा। शाही खानदान में कोई शहजादा या शहजादी विंटर में पैदा हो गए, माँ बच्चे को यहाँ रखते थे ताकि विंटर का हाश वगैरह उनको नुकसान न पहुँचा। और नेक्स्ट कमरे में जाएंगे, यहाँ नेक्स्ट कमरे के दो दरवाजे हैं। आप सब खुशूस लंबे हजरात, तो दरवाजों से सर बचाएंगे। ओके सर। फॉलो अस गाइस, जल्दी से। ओके सॉरी। इस तरफ झूला झूला कर लिया, अब सामने की तरफ आ गया सर। मैं ढूंढ रहा। अच्छा सर, आप ना ढूंढे, मैं आपको ढूंढ। मुझसे कोई बंदा घूम जाए, मैं नेट पर ढूंढता हूँ, नहीं मिला तो आईटी वाले हैं। कुछ और भी सर, आईटी वाले कैसे ढूंढे, कुछ नहीं छोड़ते। सो ये कमरा उनका लिविंग रूम होता था, बादशाह और मलका का, या जलाने की जगह थी। बादशाह मलका बहुत प्रसिद्ध है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ओके। यानी उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था, तीन मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। आप इमेजिन करें, ये उस जमाने की रॉयल लग्जरी है, अब आम की साल में होते होंगे। और ये धूप घड़ी है, ये धूप घड़ी है, सूरज जब वहाँ मशहूर फसल होगा इस स्काईलाइट के थ्रू सुबह रोशनी यहाँ उतरती है, विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शेडोज यहाँ बन जाते हैं, सूरज मगरब की तरफ, रोशनी इस तरफ, शेडोज यहाँ से घूम घूम के यहाँ आ जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे एंगल्स में टू मेक टाइम टेबल। और आप जानते होंगे, आप थोड़े से इस तरह आएंगे, वो भाई साहब इस तरह देख रहे हैं। सर सर। तो और आप जानते हैं कि हम नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब हैं, तो समर में सूरज हमारे सरों से गुजरता है, विंटर में साउथ से होकर गुजरता है,
तो इसके शेडो विंटर में लॉन्ग हो जाते हैं, समर में बिल्कुल शॉर्ट। और चार सर्कल बनाते थे, फर्स्ट से फोर्थ, फोर्थ से फर्स्ट। इन चारों सर्कल्स में मूवमेंट करते वक्त, शेडो के शॉर्ट और लॉन्ग होते वक्त, चार सर्कल्स के जरिए चार सीजनल चेंजिंग भी समझते थे। ये उनका कैलेंडर भी था और डेली टाइम टेबल भी। सो बाहर एक टॉयलेट है और उसके साथ हन्ना। अभी हम यहाँ से जाएंगे छत पे, वहाँ से आप बहुत अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं। वो जगह खतरनाक है, आप काफी ज्यादा लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो यहाँ दरवाजों से आप सब सर बचाएं, लेडीज फर्स्ट। रोजाना सियासी गुफ्तगु होती थी, मुझे क्यों निकाला, तब्दीली आ गई, पाकिस्तान खप गए, वो वाली बात। और हफ्ते में एक बार तो सुप्रीम कोर्ट भी लगता था, कबाइल के मबेन के मसले यहाँ हल होते थे। ये कुकिंग पोट है, आपके पंजाब में, सिंध में खास किस्म की कुएं है, पंजाबी में गाछी कहते हैं। सो इंतहाई नरम मट्टी है, उसको उसी से पोटर्स पोट्स बनाते हैं। हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। ये ठंडा पड़ा हुआ लावा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मेटामॉर्फिक का नाम देते हैं। बहुत ही नरम पत्थर है, कुरे तराश के देखते बनाते थे। पुराने वक्तों में ज़्यादा लोगों के पास मेटल नहीं होता था, मेटल कहीं से मिलता तो उससे वेपन्स बनाते थे, कुकिंग पोट पत्थर के। इसको देर तक गर्म करने से इनर टेम्परेचर 300 to 400 सेल्सियस हो जाता है। लोग गोश्त खा के हड्डियाँ वड्डियाँ ज़ाया नहीं करते, हड्डियों को हाई टेम्परेचर पर गला के उसका भी सूप बनाया जाता है। यहाँ आग जलाएंगे, ठंडी बारी हवा खींच के इधर आएगी, गर्म होकर ऊपर उठे, धुआं भी खींच के निकाल। ओह माय गॉड, वेंटिलेशन, यार क्या बात है यार, जबरदस्त। ये जो स्टेप वाइज सीलिंग सिस्टम है, छत के मिड को आप देखते हैं कि स्टेप वाइज सीलिंग बनाई गई है। तो ये कल्चर यहाँ तो सेंट्रल एशिया से आए, वहां तक बेबीलोन से आए। डू यू नो अबाउट द सुमेरियंस? दजला व फराद के किनारे आपने सुना, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन या बाबुल के मुअल्लक बागात, तो ये सुमेरियंस ने बनाया था। सो सुमेरियंस की तारीख 6000 साल है, उससे भी ज़्यादा। सो उन्होंने पिरामिड का नकल किया, फिरौनों का, अपने घरों की छतों को इस तरह तामीर करते थे तिकोन शक्ल में। वो कल्चर वहाँ से सेंट्रल एशिया आया, उधर से इधर। जल्जले के मोमेंट के वक्त अगर बिल्डिंग्स अप टू नॉर्थ मूव करती हो, इस तरफ की लगी लकड़ी ईस्ट टू वेस्ट मूव करे, इस तरफ की लगी लकड़ी छत को ग्रिप करेगी। उनका क़ियाम बीम्स के ऊपर है, उनके नीचे भी बीम्स हैं। अपर लोअर बीम्स को पिलर्स के जरिए लॉक किया गया है ताकि छत किसी एक तरफ मूव करे भी तो लोअर बीम्स अपर को जाने ना दे। और ये संदूक है, इसमें गंदम, जवार, बाजरा, बकला, मकई वगैरह जो भी उगाते उसका आटा रखते थे। तुसी की कहते हो पड़ोला, हाँ जी, और पीछे खुदा है, तुसी कुकड़ कुकड़ियाँ रख दे, हम इसमें सब्जी रखते थे। आपके पंजाब की तरह हमारे यहाँ या सिंध की तरह हमारे यहाँ सारा साल सब्जियाँ नहीं उगाई जा सकती। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस्त वगैरह सब सुखा के विंटर के लिए वहाँ प्रिजर्व करते थे। कोई सवाल हो तो, दिल में उबल रहा हो तो मुझ पर उबल दी। No question. Abhi bas. Sir, he's talking to me. But I have no questions. Thank you. It's clear. ये बात ठीक है बेटा। जावेद भाई, ये कुछ पूछना चाह रही है। ये बुद्धिज्म की है, उनमें से कुछ चीजें आपको बता दूंगा, वरना मैं बताने वाला नहीं था, आपने पूछा मैं बता रहा हूँ। सर प्लीज, इनके तबीयत से मैं वाकिफ हूँ, 4 साल पंजाब में रहा हूँ, इनकी नर्चरिंग इस तरह हुई है। तो दिस इज द साइन ऑफ स्टूपा, वी कैन से फास्ट इन बुद्धा। गौतम बुद्ध इस तरह बैठ के जो मुराकिबे वगैरह करते थे उसका साइन है। ये लोटस फ्लावर है, उनका होली फ्लावर होता है। इसके सर के ऊपर 4 स्टेप्स बने हैं, ओम मणि पद्मा हूम, इसको विद करते रहते हैं। जिस तरह इस्लाम में अस्माउल हुस्ना विद करने का तसव्वुफ का ये तरीक़ाकार है, सूफी हजरत अस्माउल हुस्ना का वेट करते हैं, वो इन अल्फाज का वेट करते हैं, मंत्र है उनका। दिस इज ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल सोल, इंटेलेक्ट, निर्वाण। निर्वाण इज द लास्ट स्टेटस ऑफ द ह्यूमन सोल, वेयर ह्यूमन सोल इनलाइटन, राइट? ये किस चीज के नाम है? निर्वाण की तलाश। हाँ जी बिल्कुल।
ओम का मतलब होता है मुश्किल कुशा, जो मुश्किलों में खुदा साथ देता हो, और मणि का मतलब वो मोती जो दू जहां की कीमत रखती हो, पद्मा का मतलब होता है वो लोटस फ्लावर, ओम हूम के आप हम हूम कहते हैं ना, वो लोग हम हु कहते हैं, वो लोग हूम कहते हैं, सिर्फ नीम मिलाते हैं। ओके, सिद्धार्थ का मजहब And what is meant by whom? Whom का मतलब divinity okay सब्जियां रखते हैं इसमें ये खुडा है और सॉरी ये खुडा नहीं है उनके मुताबिक ये ऐसी जगह जहाँ सब्जियां रखी जाती हैं हम इसको खुडा बोलते हैं पंजाब वाले तसव्वुफ के मुराकिबों की जगह तो 1620 में यहाँ इस्लाम बल्ख और बदख्शान से आया सो कुछ सूफी हजरात ने यहाँ इस्लाम की तबलीग की तबका तामीर शुदा है इसकी तारीख 400-450 साल तक बताया जाता है और इस टोल के पीछे सजाई मौत की जगह है वहाँ से आने वाले हमलावर अगर पकड़े गए उनको नीचे फेंक दिया जाता और खानपुर के पीछे फोर्ट का नया सेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले सजाई मौत की जगह देखते हैं वहाँ अपना भी बच्चों का भी ख्याल रखेंगे कोई आपको अंदाजे भैया बहुत अच्छा वैसे भी आपको तख्त लाहौर वालों ने काफी तंग किया है तो हम क्यों बिल्कुल सुबह नहीं दे रहे जी सर सुबह नहीं दे दिया बल्कि अलग एक सुबह नहीं साउथ पंजाब दे दिया लेकिन मुल्तान उसका सेक्रेटरेट बना हमारा भावलपुर नहीं बना ज्यादती किया और हम सुबह थे पहले से हमारा पहले से सुबह था ना भावलपुर वाज द रिचेस्ट स्टेट इन पाकिस्तान नवाब सादिक 65 में तो उन्होंने काफी पाकिस्तान के लिए हुकूमत के लिए हेल्प किया सर मुआहदे के मुताबिक वो सुबह था तो उसको बहाल नहीं करने किया वो वन यूनिट एक वो जो हुआ था मुआहदा उसके बाद ओके ये सजाई मौत की जगह हमलावर पकड़े गए नीचे फेंक दे यहाँ से नीचे दरिया तक 300 मीटर है इनको बचेगा हड्डियाँ बच जाएगी उनका सूप बनाना है तो बताना सो अभी मैं आपको फोर्ट का नया सेक्शन दिखाता हूँ आ जाएं गाइस वापस आ जाएं वाओ आपके आने से नहीं गिरेगा गेट तो गिरने को तो It's a nice place. Hopefully, किसी को ना लगे। तो मुझे ही है ना। सो ये फोर्ट का नया पोर्शन है 1891 के बाद का तामीर शुदा गोरे जब यहाँ आए तो उस जमाने के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए तामीर करवाए उनके पॉलिटिकल एजेंट्स आर्मी ऑफिसर्स वगैरह आते तो यहाँ स्टे करते थे तो हॉर्न तुझे पे जो तस्वीरें बना लो हाँ इतना ये मेरे मामू के बेटे होते हैं ये हमारे ननियाल के हैं और ये नंबरदार का पोता है उनको मालूम है कि यहाँ गांव की प्राइवेसी की वजह से तस्वीरों के लिए एक्सक्यूज हैं तस्वीरें बनाएं और यहाँ थोड़ी देर टाइम लगाएं आप और आ जाएं तो भाई साहब आपको वापस लेके आएंगे मैं मेरा गांव इनको पता है 6 किलोमीटर आगे है पैदल जाना सर थैंक यू सो मच सर जावेद भाई आ जाओ दिखाया आंटी वगैरह प्राइवेसी है गांव की औरतें उन्हें तेज है पता लगे खले पे उन्होंने बड़ी प्यारी जगह बनवाई है यार
जिसने भी बनवाई ये अंग्रेज लोग हैं या अपने ये ओके ओके ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ हुंजा विच इज एक्चुअली हुंजो लेकिन अभी से हुंजा कर दिया गया जब अंग्रेज यहाँ पर आए यार अंग्रेजों ने भी कैसे कैसी जगह एंजॉय की यहाँ पे इट्स अ गुड प्लेस दरिया ओए नीचे लकड़ी की छत है नाइस आई थिंक इट्स रेनोवेटेड मुझे रेनोवेटेड ही लग रहा है जैसा कि पहले वो कह रहे थे Thank you.